अज शहीदी दिवस पुलिस का मनाया जा रहा है, जिस दे विच चंडीगढ़ पुलिस वालों एक समागम करके जिहड़े समूह भारत दे विच शहीद हुंदे ने तां उहनां नूं जेकर गल की जाए तो श्रद्धांजलि दी जाती है। साडे नाल डीजीपी चंडीगढ़ पुलिस प्रवीर रंजन जी ने उहनां नाल गलबात करदे हां पूरा मामला जिहड़ा उह समझदे हां। सर अज शहीदी दिवस मनाया गया, किस तरीके नाल श्रद्धांजलि दी गई है थोड़ा डिटेल दे नाल दस्सो। देखिए आज के शहीदी दिवस में हमने अपने 189 पुलिसकर्मी जो पिछले एक साल में सही शहीद हुए, आज उनके लिए हमने कि यहाँ पे एक शहीदी दिवस परेड का को ऑर्गेनाइज़ किया और चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से उन सभी पुलिसकर्मियों को जो पिछले एक वर्ष में देश सेवा में निछावर हो गए, जिन्होंने बलिदान दिया अपने प्राणों का, उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति हमने अपनी संवेदना प्रकट की। साथ ही ये निश्चय किया, ये प्रण लिया है कि उनके बलिदान को हम खाली नहीं जाने देंगे और हम सभी अपनी अपनी जगहों पर जहाँ भी हैं जो भी सेवा हमसे दी जा सकती है वो हम उन देश के लिए प्रदान करें। और एक जो देश को मजबूत बनाने का निर्णय है पुलिस का, इसमें बहुत अहम इसकी भूमिका होती है, तो इसमें हर तरह की लड़ाई हमको लड़नी है, चाहे वो नशे के खिलाफ हो, चाहे वो क्राइम के खिलाफ हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो। पुलिसकर्मी हर जगह आप जैसे देखते हैं हर जगह तैनात होते ही हैं, तो इस लड़ाई को हमको सबको मिल करके लड़ना है और आज उन शहीदों को याद करने का दिन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा लेकिन सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उनके बलिदान को खाली न जाने दिया जाए। सर पूरे भारत के किन्ने शहीद हुए ने जिन्हों का मतलब हर एक साल दे एक वर्ष में हमारे करीब 189 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है हमारे अर्धसैनिक बलों की है, BSF, CRPF, ITBP, इनकी सबसे ज़्यादा संख्या है RPF की, और साथ में कई राज्यों में भी पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। तो जैसे मैं आपने देखा परेड में मैंने उन सब राज्यों के संख्या को मैंने लिया और टोटल 189 पिछले एक साल में शहीद हुए। सर लगातार पुलिस जी है वो दुश्मनों के उपर वार कर रही है, दुश्मनों को कमज़ोर कर रही है, पर एक नशा अजिहा दुश्मन बन चुका है जो पंजाब यानी कि पूरे देश के विच फैल रहा, जड़ां दा जिहड़ियां उसने फैल रही, उसनू रोकण दे लई होर की उपराले किए जा रहे पुलिस वालों? नशा एक ऐसी बुराई है जो कि समाज को खोखला करती है, हमारे युवाओं को ख़राब करती है, जो बच्चे हैं उनको ख़राब करती है, और इसीलिए चूंकि ये बच्चे और युवा इन्हीं के ऊपर देश को आगे बढ़ना है, इनको चलना है, तो ज़रूरत है उनको जागरूक करने की, उनको समझाने की कि इस बुरी लत से दूर रहें। जो लोग नशे का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हमने एक अभियान चलाया पिछले साल और लगभग 150 ऐसे हमने क्रिमिनल्स अरेस्ट किए जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं। उसके अलावा हमने कुछ और भी जैसे जागरूकता प्रोग्राम चलाया, बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाया, ऊर्जा प्रोग्राम है, स्वयं प्रोग्राम है, और आपने देखा होगा कि हम हर स्कूल में जा रहे हैं, हम हर कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ भी हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको सबको मिलकर लड़ना है, इसमें हेल्थ, सोशल वेलफेयर, पुलिस और समाजसेवी संस्थाएँ हैं, इन सबको साथ मिल करके एक इस लड़ाई को लड़ना है। बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ जोड़ा जाए, बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ जोड़ा जाए या कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जोड़ा जाए, इसका प्रयास चल रहा है। चंडीगढ़ में हमने गली क्रिकेट किया, आपने देखा, उसी तरह से हमने हर कॉलोनीज में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराए। अभी भी हमारी एक नशा विरोधी जो एक अभियान के तहत में, नशा मुक्त भारत के अभियान के तहत में हमारी एक गाड़ी है जो हर इलाकों में जाती है, हमारे पुलिसकर्मी बच्चों को समझाते हैं कि इसके इस तरह की बुराई को कैसे लड़ना है हमको। तो इन सब के माध्यम से हमको एक समाज में जागरूकता भी पैदा करनी है और सभी वर्गों को साथ में लाना है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो पूरे समाज को ही इफेक्ट करती है। जी बिल्कुल, ये एक होर सवाल है, तुसी लगातार देख रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस जी पूरे थाने दे विच अवेयरनेस कैंप चलाया जा रहा है, जगह जगह जाने चंडीगढ़ पुलिस जी जा रही है, किन्ने के लोग जिहड़े ने थोड़े तक पहुँच की है भी जो नशा छड़ना चाहते हो? देखिए जब मैंने बच्चों की संख्या देखी तो लाखों में जाती है, जो हमने सारे पंजाब जितने चंडीगढ़ के जितने स्कूल्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल सभी को कवर किया है हमारी टीम ने जा करके, और जो स्वयं की टीम है हमारी जो सेल्फ डिफेंस सिखाती है लड़कियों को, उन्होंने भी मेरे ख्याल से काफ़ी स्कूलों को कवर कर लिया है जितने चंडीगढ़ के स्कूल हैं, तो काफ़ी मात्रा में हमने बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की है। उसके अलावा जो हम जैसे मैंने बताया कि कॉलोनीज़ के बच्चों के लिए स्पेशली हम पीयर लर्निंग प्रोग्राम एक संस्था समाजसेवी संस्था के साथ मिलकर के कर रहे हैं, जिसमें कि बच्चों को नशे के बारे में, इसकी बुराई के बारे में और कैसे उससे लड़ना है उसके बारे में बताया जाता है। तो हमने करीब करीब 2000 बच्चे इसके
तहत हमने अभी पिछले 2 सालों में ट्रेन किए हैं, और ये बच्चे उन इलाकों से आते हैं जहाँ पे नशे की ज़्यादा शिकायत है या वहाँ पे, और इन इलाकों में हमने थोड़ी पुलिस की भी कार्रवाई तेज़ की है जिसका परिणाम भी अच्छा आ रहा है, और कई हमने क्रिमिनल्स अरेस्ट किए हैं पिछले कई इसमें। तो कुल मिला जुला करके ये एक ऐसी चीज़ है जिसके प्रति सभी को लड़ना है, और इसमें एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे हम एनसीबी के साथ मिल करके हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ हम एनआईए के साथ मिल करके कर रहे हैं, और ये नशा जो है अपने आप में एक ऐसे देखने में लगता है कि एक छोटा सा क्राइम है, लेकिन अगर इसके पूरे स्वरूप को देखें तो इसको टेरर एक्टिविटी में भी इस्तेमाल किया जाता है, टेरर फाइनेंसिंग में जी। इसको बाकी और गतिविधियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो पैसा नशे से जनरेट होता है वो एक आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो इसी कारोबार में जनरेट होता है। तो इसीलिए ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बाहर से देश के बाहर से कुछ बॉर्डर के एरिया पे स्मगलिंग के थ्रू या अन्य इलाकों से पोर्ट्स के थ्रू स्मगल करके ये भेजा जा रहा है, वो भी एक रणनीति के तहत उसको भी हमको टैकल करना चाहिए। धन्यवाद। तो यही साढ़े नाल चंडीगढ़ पुलिस के DGP प्रवीर रंजन जी सी, और नाल दी नाल हुणे भी दस्सी कि अज शहीदी जिहड़ा दिवस मनाया जा रहा है पुलिस के बल दे जिहड़े जां फिर BSF CISF स्टाफ के जां CRPF के जिहड़े जवान शहीद होए सी उहनां नूं अज 21 अक्तूबर नूं हरेक साल की तरह अज भी जिहड़ा श्रद्धांजलि भेंट की गई, और नाल ही इत्थे हरेक पुलिस थाने के जिहड़े सीनियर अधिकारी और इंस्पैक्टर जिहड़े पहुँच के उहनां नूं श्रद्धांजलि जिहड़ी उह दित्ती गई है। कैमरा परसन अनिल दे नाल मनजोत कंग, दैनिक सवेरा TV चंडीगढ़।